नमस्कार, मैं हूँ नेहा पन। न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट डिबेट शो का, हम तो पूछेंगे। बंगाल के गढ़ में बीजेपी की बढ़त से घबराई ममता बनर्जी को अब हिंदुओं की याद आ गई है। ममता आज इस्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई, पूजा अर्चना की, जय जगन्नाथ के नारे लगाए और बंगाल में बनने वाले इस्कॉन टाउन के लिए तो जैसे खजाना ही उन्होंने खोल दिया। आसनसोल में तो तृणमूल के मेयर ने रथ यात्रा निकालने वाले स्थानीय क्लब्स को 25,000 का अनुदान भी दिया है। रामनवमी के दौरान भी अखाड़ों को अनुदान दिया गया था जिस पर विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन अपना गढ़ बचाने के लिए देता ममता को अब हर विवाद पसंद है। इस्कॉन के समारोह की मुख्य अतिथि उनकी पार्टी की मुस्लिम सांसद नुसरत जहांवां थी, जो निखिल जैन से शादी के बाद भी खुद को पक्का मुसलमान बता रही है। जिन ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर आपत्ति थी, सोचिए आप, वही ममता जब जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रही थी तो उसके बीच कई सवाल जरूर खड़े होते हैं और वो सवाल आज हम पूछेंगे। तो हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या ममता बीजेपी के जय श्री राम की काट जय जगन्नाथ में तलाश रही है? दूसरा सवाल, क्या सिंदूर चूड़ी वाली नुसरत जहां को ममता रणनीति के तहत रथ यात्रा में लेकर गई? और तीसरा सवाल, क्या ऐसे आयोजनों से ममता हिंदू मतदाताओं को लुभा पाएंगी? इन सवालों का जवाब आज की बड़ी डिबेट में हम तलाशेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस ताजा रिपोर्ट पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बीजेपी ने डराया तो हिंदू याद आए। जगन्नाथ रथ यात्रा की कोलकाता से आई ये भव्य तस्वीरें चौंकाने वाली। जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली ममता ने अपने राजनीतिक नारे को जय जगन्नाथ से जोड़ दिया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय बांग्ला। इस्कॉन परिवार ने इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बशीरहाट की सांसद नुसरत जहां को खास तौर पर आमंत्रित किया। ममता ने इस मौके पर इस्कॉन टाउन के लिए 700 एकड़ जमीन दान करने का भी ऐलान कर दिया। सुंदर इस्कॉन टाउन बड़ो एक तीर्थ यात्रा तीर्थ नगरी करवार जन्य एवं ताते ओदेर 700 एकड़ जमी छिल, सेई जमीटा अनेक दिन धरे पड़े छिल, राज्य सरकार ना दिले सेटा होतो ना, एवं एइटा आमरा करे दिएछि अलरेडी। ममता के मुस्लिम सांसद नुसरत जहां इस मौके पर भी सिंदूर और चूड़ियों से सजी अपने पति निखिल जैन के साथ पहुंची थी। नुसरत बतौर तृणमूल सांसद ममता बनर्जी की नई पोस्टर गर्ल। नुसरत के जरिए वो सेकुलरिज्म और हिंदुइज्म दोनों को साधने की कोशिश में। नुसरत का मनोवैज्ञानिक असर बंगाली मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं पर है, वरना मौलवियों ने तो नुसरत के खिलाफ फतवे तक जारी कर दिए हैं। ममता के इस हिंदुत्व प्रेम का बंगाल में जो भी असर हो, लेकिन दिल्ली में बैठे नेता चुटकी लेने से बाज नहीं आए। श्री राम के नारे पे वो नाराज हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी, उनको डांटने लगती थी, जो बांग्लादेश की घुसपैठिए थी उनकी वकालत करती थी। उससे कम भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी कि अब वो कम से कम इस धरती के उस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो रही तो निश्चित एक सद्बुद्धि आएगी। अब वो घुसपैठियों की बात नहीं करेगी, अब वो जय श्री राम के और भारत माता के खिलाफ नहीं रहेंगी। जानकारों की माने तो जगन्नाथ रथ यात्रा को ममता ने बंगाल के हिंदुओं को साधने का नया जरिया बनाया है। बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटें हथिया ली, अब ममता को 2021 के विधानसभा चुनाव का डर है। आसनसोल में तो तृणमूल के मेयर ने 22 रथ यात्रा क्लबों को 25,000 का अनुदान दे दिया, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, उसको राजनीति में हम लोग जोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हिम्मत दिखा पाई, ये हिम्मत बड़े बड़े नेता नहीं दिखा पाते हैं। बहरहाल बंगाल में धर्म राजनीति का जरिया बन गया है। अब तक ममता मुसलमानों पर ही मेहरबान रही है, कभी इमामों को पगार तो कभी मुस्लिम इलाके के स्कूलों में मिड डे मील के लिए अलग हॉल। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये नया चेहरा, इसलिए हम तो पूछेंगे बीजेपी के डर से ममता बंगाल के हिंदुओं को लुभा रही है। एक बार फिर से सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है,
बीजेपी के डर से क्या ममता बंगाल के हिंदुओं को लुभा रही है? ट्विटर पर अपनी राय हम तक जरूर भेजिए #HTP और #रथयात्रा की राजनीति के जरिए इस चर्चा का हिस्सा बनिए। और बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ आज की इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, स्वागत है आपका बादल देवनाथ। उनके साथ इस चर्चा में मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जो कि धर्मगुरु हैं इस चर्चा का हिस्सा होंगे, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक ये बताएंगे कि ममता अचानक हिंदुओं पर क्यों हुई मेहरबान। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारे साथ लेफ्ट समर्थक विवेक श्रीवास्तव जी भी आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। बंगाल की बात हो रही है, ममता की बात हो रही है, लेफ्ट का होना जरूरी है। और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बादल देवनाथ आपके पास मैं आना चाहूंगी, और बादल दा ये बताइए लोकसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से बुरी तरह से चिढ़ गई थी, अचानक से जय जगन्नाथ बोलने लग गई, ये चमत्कार कैसे हो गया? नहीं ऐसा बात नहीं मैडम, ममता बनर्जी जो इस्कॉन का जो रथ यात्रा है ना, इसका इसके बारे इसके लेके ममता बनर्जी हर साल जब CPM का राज शासन था उस टाइम से ममता बनर्जी उद्घाटन करती है, और यह आज भी ममता बनर्जी इस्कॉन का बा श्रीरामपुर पे जो महेशतला का जो रथ यात्रा निकलता है वहाँ भी उद्घाटन किया है। ऐसा नया बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जय जगन्नाथ का बात जो आप बोल रहे हैं, हाँ। वो जय जगन्नाथ हर साल ममता बनर्जी बोलते हैं। अच्छा। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, ठीक है। और बंगाल में जो बादल देवनाथ बढ़िया बात आपने कहा, भाई धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन में ममता बनर्जी पहुंची, उन्होंने जय जगन्नाथ का कोई बुरी बात नहीं है, कहें जय जगन्नाथ। लेकिन एक बात बताइए, जय जगन्नाथ के बाद ममता बनर्जी ने जय हिंद कहा, अच्छी बात है, कहा जय बांग्ला भी कहा, अभी आप कह रहे हैं धार्मिक आयोजन था, धार्मिक मंच था। भाई धार्मिक आयोजन था, धार्मिक मंच था तो जय जगन्नाथ बोलिए, जय हिंद बोलिए, जय बांग्ला बोलकर सियासत क्यों कर रही है? ये जय बांग्ला तो उन्होंने तब भी कहा था जब चुनाव चल रहे थे, जब बंगाली अस्मिता को वो सामने ले आई थी, सियासत कर रही है क्या धार्मिक मंच से भी? देखिए मैडम, नेहा मैडम देखिए, यूपी बंगाल यूपी में बिहार में मध्य प्रदेश में जब सुबह घोर में नींद से कोई उठता है तब बोलते हैं जय राम जय की, बाहर निकलता है बाजार में जाता है जय राम जय की बोलते हैं। तो इसको लेकर RSS वालों ने क्या किया, जय श्री राम एक पार्टी का स्लोगन बना दिया है, पार्टी का स्लोगन जय श्री राम। आज के जैसे मुझे भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम वो पार्टी का स्लोगन बना दिया। इसलिए क्या हुआ, बंगाल के बारे में देखिए, काल क्या हुआ, राज्यसभा में एक मंत्री बोल दिया बंगला का नाम नहीं आएगा, वो बंगला का डिसीजन को नहीं ले रहा है। और ये 8 साल 10 साल से बंगाल से CPM वालों ने बोला, तीनों TMC ने विधानसभा में निर्णय लिया, सब एक साथ निर्णय लिया, बंगाल का नाम चेंज कीजिए, बंगाल का नाम चेंज नहीं हुआ, इसलिए जय बंगला, जय बांग्ला, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की यात्रा में, जय जगन्नाथ की आरती में जय बांग्ला का क्या काम है? आप बोलिए ना, ममता बनर्जी सियासत कर रही है, खुलकर सियासत कर रही है, जय जगन्नाथ की यात्रा, मंगल आरती और मंगल आरती के बाद बोलती है ममता बनर्जी जय बांग्ला। सुन के ही पूछ रही हूँ आपसे सवाल, जय बांग्ला की जय जगन्नाथ के मंदिर में जय जगन्नाथ के द्वारे क्या जगह? मेरा नहीं नहीं जय जैसे देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, जय जय महाराष्ट्र बोलते हैं, जय बिहार बोलते हैं, हम लोग भी सब बोलते हैं, अरे बोलिए, पर बोलने का सही वक्त तो जगह होनी चाहिए ना बादल दा, इसलिए बादल देवनाथ कैसी बात कर रहे हैं, नया बात नहीं है। मैंने कहा ना, आप जय जगन्नाथ बोलिए, आप जय हिंद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देश की बात हो रही है, जय जगन्नाथ के द्वारे हैं आप, वहाँ बात कर रहे हैं, जय बांग्ला क्यों कह रहे हैं? सुबह से शाम तक तो आप धार्मिक मंच पर भी सियासत कर रहे हैं, मैं हर जगह में जाता हूँ, भी हर कर रहे हैं, हर महादेव बोलता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जगन्नाथ प्रेम शुक्ला जी बोल सकते हैं, जय बांग्ला बोल सकते हैं, एक बात बताइए, बादल देवनाथ कह रहे हैं भाई यूपी और बिहार में लोग जब उठते हैं तो राम राम कह करके एक दूसरे से बात करते हैं, यही बात कुछ दिनों पहले जब आप समझा रहे थे बादल देवनाथ को तो समझने को तैयार नहीं थे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो जय श्री राम बोलेगा, कहा उन्होंने अतीत में, जो जय श्री राम बोलेगा खाल उधेड़ दूंगी उसकी, जेल भेज दूंगी उसकी, आज जय जगन्नाथ बोलती है और उसके साथ जय बांग्ला भी बोल देती है, धार्मिक मंच पर है लेकिन सियासत भी दिख रही है। जनता में कर दे अनाथ, इसलिए जय जगन्नाथ, इनका स्वाभाविक तौर पर जय श्री राम का विरोध करने कारण, जय श्री राम बोलने वालों की खाल उधेड़वाने की फतवे जारी करने के बाद
जिस तरह से बंगाल की जनता ने उनको सबक सिखाने का संकेत दिया, अभी पूरा सबक सिखाया नहीं है, सिर्फ संकेत दिया है, संकेत देते ही उनकी समझ में आ गया कि हिंदू द्रोह करना इसको स्वीकारेगी नहीं बंगाल की जनता। बंगाल की जनता ने इनके मुल्लावाद को बहुत स्वीकार लिया। अब इसके आगे जो है उनकी सहन शक्ति समाप्त है, उस सहन शक्ति को समाप्त होते देखकर स्वाभाविक तौर पर ममता निर्ममता से मुक्त होने वाला एक संकेत देने का प्रयास कर रही है। आराम से काहे चीख रहे हैं भाई साहब, बादल जी अनायास क्यों गरज रहे हैं? बादल जी अनायास ना गरजे, नहीं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्रेम शुक्ला आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, बहुत गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, फिर तरसते रहते हैं। आप जो है कृपा करके मेरी बात क्यों पॉलिटिकल स्लोगन बनाए, जय श्री राम आप भी बोलिए, पार्टी का स्लोगन नहीं रह जाएगा। आपको लगता है ना पूरे भारत प्रभु रामचंद्र जी का आविर्भाव क्या भारतीय जनता पार्टी के बाद हुआ? प्रभु रामचंद्र जी का आविर्भाव सहस्राब्दियों पुराना है, जय श्री राम का नारा ये शतकों पुराना है। आप प्रभु रामचंद्र जी के नाम में बोलिए ना, आप क्यों राजनीति जय राम जी के बोलिए ना, जो क्या सारे भारत वर्ष में हर जरूरत है, हमने जय श्री राम का, आप भी जय श्री राम कहिए, जय राम जी बोलते हैं, राजनीति का जय श्री राम को लेकर स्लोगन बना दिया है वो बता दीजिए ना। लेकिन आप इसको स्लोगन क्यों बना, पार्टी का स्लोगन क्यों बना है? आपको तो एक वर्ग विशेष का वोट नहीं, कोई पुष्टिकरण नहीं हो रहा है, पंथ विशेष का नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध जैन धार्मिक उन्माद पैदा नहीं था, सब एक साथ मंत्रवाद के साथ आपको बढ़ावा देना था, ये जो आपकी आदत थी, सब साथ है, बादल देवनाथ सब साथ है, की जनता ने दे, प्रेम शुक्ला जी मेरे ख्याल में अपनी बात रख सकते हैं, आपने सुना नहीं बादल देवनाथ जी ने कहा कि सब साथ है, ममता बनर्जी किसी का तुष्टिकरण नहीं कर रही है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, बादल देवनाथ में आपके पास आऊंगी, ठीक है बादल देवनाथ, ठीक है एक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर इतिहास में जाए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, भाई दुर्गा पूजा से दिक्कत, सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कत, रामनवमी के जुलूस को लेकर दिक्कत, जय श्री राम के नारे पर दिक्कत, और आज अचानक जय जगन्नाथ के लिए उनके उनके पूजन के लिए प्यार उमड़ रहा है ममता बनर्जी को, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या डर है, क्या दबाव है, क्या रणनीति है भाई? नया जी ये कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव आते ही जिनको जो है मंदिर जाना याद आने लगता है, जनेऊ दिखाना याद रखता है, गोत्र बताना याद आ जाता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम अगर दुधारू गाय है तो मैं उसकी लात भी सहूंगी, यही कहा था, यही ममता बनर्जी हैं, यही ममता बनर्जी जिन्होंने लोकसभा में कहा था कि बांग्लादेशियों को भगा करके मानूंगी, यही कहती हैं कि एक भी बांग्लादेशी को मैं बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये तो सत्ता से चिपके रहने के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए कितने रंग बदलेंगी ममता बनर्जी, कितने रंग बदलेंगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कितना कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। आप गलत बोल रहा है, अरे गलत मत बोलिए, नहीं ममता बनर्जी का गलत मत बोलिए, ममता बनर्जी ऐसा बात नहीं बोला बांग्लादेशी को घुसपैठी को निकाल देगा, ऐसा मत बोलिए, क्या ऐसा नहीं बोला ममता बनर्जी ने? अच्छा आप कह रहे नहीं निकालेंगे बांग्लादेशी के घुसपैठी के बारे में, ऐसा नहीं बोला क्या? आप गलत मत बोलिए ममता, ये देखो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं घुसपैठियों को हम निकालेंगे नहीं इस देश में, बिना वीजा के, बिना वीजा पासपोर्ट के कोई आया है, और ये टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम निकालेंगे नहीं उनको, घुसपैठियों को नहीं निकालेंगे, अरे कुछ जो जो गलत तरीके से इस देश में घुसे हुए हैं, बात को गलत हम नहीं निकालेंगे, मेरा बात के बारे में नहीं नहीं ऐसा मत, भारत का संविधान नहीं नहीं भारत में वही रह सकता जो नहीं भारत की नागरिकता हो, जिसके पास नागरिक कौन है, जिसके पास नहीं पहले बताइए घुसपैठियों कौन है, कानूनी रूप से कौन है, ये पहले बता दीजिए, खुले आम संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने, कहा कि हम नहीं निकलने देंगे बांग्लादेशियों को, हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम नहीं निकलने देंगे, कमाल है भाई, कमाल है बादल जी आपका, घुसपैठियों कौन है आपका, और कमाल है आपका, ये पहले बताइए, उनको राशन कार्ड और दिलाएंगे, नहीं कमाल नहीं है, मालूम है आप बोलिए पहले शरणार्थी कौन है, बावजूद मैं आपको ये पहले बोलिए, बावजूद मैं आपको याद दिला दूं, गलत बात बोलिए, जिस दिन 42 में से धारा आई है ना, उस दिन से दिमाग में ऑल्टरनेटिव विकल्प क्या करना चाहिए, अब क्या घबराहट जो है ममता बनर्जी के मन में, और मैं तो वही बोल रहा हूं कि उनको वो कहते हैं कांग्रेस भी आ जाओ, मतलब प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी आप साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाई और जिस तरह से सीटें झटकी, अब 2021 के लिए ममता बनर्जी परेशान है और अब हिंदुओं को रिझाने की कोशिश में, क्या ये कह रहे हैं आप? ये रिझाने की बात नहीं है विवेक जी आप एक सेकंड आपको आमंत्रण मिल गया, आपको निमंत्रण मिल गया है ममता बनर्जी के साथ जाने का, इसलिए ममता बनर्जी कर रही है,
हम ममता के साथ नहीं है, ना हम तृणमूल कांग्रेस नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दिखावा है, ये दोनों धर्म की राजनीति कर रहे हैं, दिखावा है ये, आप दोनों पार्टियां दिखावा है ये, पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं दोनों पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस भी और भाजपा भी, और उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विवेक जी, मैं आप ही से सवाल ले रही हूँ, आपने कहा दोनों धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पर मुझे एक बात बताइए, मैं ममता बनर्जी की बात करती हूँ क्योंकि वो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। अक्टूबर 2018 में ममता बनर्जी ने 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया, आप भी जानते हैं उस फैसले के बारे में, और आप ये भी जानते हैं कि उस वक्त बंगाल के जो मौलाना थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ बाकायदा प्रदर्शन किया था। अब आज की बात करें प्रेजेंट की, तो आसनसोल में 22 रथ यात्रा समितियों को 25,000 रुपए देने का उन्होंने मन बनाया, अनुदान दिया। अब ममता बनर्जी अगर इस तरह के धार्मिक अनुदान दे रही हैं, तो इसमें क्या इतराज है विवेक? दोनों पार्टियां यही करती आई हैं। मैं ममता के लिए आप दोनों की बात करिए ना, ये भाजपा तृणमूल कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, ये दोनों हिंदू वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक पैसा आप धार्मिक फंक्शंस पे देते ही क्यों है? हाँ। चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे हिंदुओं का हो, पब्लिक के पैसे को डेवलपमेंट पे डालिए। वही काम ये लोग करते हैं, कभी राम मंदिर का इशू उठाएंगे, कभी अपनी यात्राएं निकालेंगे। इसलिए धर्म को राजनीति से अलग रखिए। केरल में आप पब्लिक पैसे को डेवलपमेंट में लगाइए, बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, एम्प्लॉयमेंट में लगाइए। आप क्यों उस्मान यात्राओं में लगाते हैं? जो मान लिया आपके बाद विवेक जी की बात मान ली, 30 साल तक आपने वाम मोर्चा के तहत आप सत्ता में थे ना, आप कितने पर बंगाल की हालत क्या है? अरे 30 साल में बहुत बढ़िया है। लैंड रिफॉर्म है आपने नहीं, अरे वहाँ पर सबसे ज्यादा भूमिहीन है, बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, सबसे ज्यादा भूमिहीन है वहाँ पर, और आपने किसानों पर गोली चलाई, किसानों को किसानों के खून से होली खेली है वहाँ पे आपने, नंदीग्राम और सिंदूर में, सिंगूर में क्या किया आपने, क्रोनी कैपिटलिस्टों की सरकार है, सिंगूर और नंदीग्राम में क्या किया, सिलेक्ट बिजनेसमैन लोगों की सरकार है ये हुआ, एक मिनट सर, सिलेक्ट लोगों की कहां सरकार है? एक तरफ एक पार्टी को 303, एक तरफ लेफ्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ केरल में है आप, त्रिपुरा और बंगाल जो आपके किले होते थे वो किले ध्वस्त हो गए हैं। तो विवेक श्रीवास्तव जी वो कहते हैं ना, हाथ हाथ का ऐसा अपमान लग पाएगा, आपका तो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है। नहीं, वो आप स्वतंत्र है, वो जनादेश है या नहीं है, मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूँ, मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी, अभिजय श्रीवास्तव जी वापस जरा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बंगाल की आज बात कर रहे हैं और आप सब लोग जो हैं वो बंगाल को बहुत करीब से जानते हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। मैं बादल देवनाथ का एक बार रुख करूंगी और इस पर फिर मैं आप सब लोगों से प्रतिक्रिया चाहती हूं, और मौलाना साहब माफ कीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास आ रही हूं ये सवाल बादल देवनाथ से लेकर। बादल देवनाथ एक बात बताइए, नवंबर 2017 में ममता ने उन ग्रामीण इलाकों में गाय बांटने का फैसला किया जहां पंचायत चुनाव होने थे, लोकसभा चुनावों को देखते हुए, ध्यान से सुनिएगा सर, लोकसभा चुनावों को देखते हुए ममता ने 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10,000 का अनुदान देने का फैसला किया। अब ममता बनर्जी ने आसनसोल और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो रथ यात्रा क्लब्स हैं उनको 25,000 देने का ऐलान किया। झारखंड और बिहार के लोग जिस इलाके में रहते हैं वहां 10 सूर्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया है, आपने भी बिल्कुल कह दिया। अब ये बताइए बादल देवनाथ, ये क्या है? ये हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश नहीं है ममता बनर्जी की, तो और क्या है? देखिए मैडम, इस बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ, हर दिन मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ, हर दिन, और ममता बनर्जी का घर में महाकाली का मूर्ति है, हर दिन सुबह ममता बनर्जी तो उसका घर में वो महाकाली का पूजा करते हैं हर दिन, ये आज से नहीं, वो जब 20 साल का उम्र था तब से ममता बनर्जी महाकाली का पूजा करते हैं, जैसे मैं हर दिन भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ। और एक बात, जो आप पॉइंट आप बोले हैं जो गाय दे रहा है 25,000 करके क्लब को दिया है, सब ठीक है,
और एक बात देखिए, ममता बनर्जी सबसे बड़ा काम क्या किया है, दुर्गा पूजा के बाद सुन लीजिए दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा पूजा कार्निवल किया है, जहाँ सारे देश विदेश से गेस्ट आते हैं बंगाल में गेस्ट आते हैं, जो दुर्गा पूजा कार्निवल किया है, इस बार भी दुर्गा पूजा कार्निवल होगा, विश्व से गेस्ट आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपने किया है एकदम बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। एक मिनट, कार्निवल से पहले मैं आपको जरा पीछे ले जाऊं, थोड़ा हिस्ट्री में फटकार लगाई थी नहीं लगाई थी कलकत्ता हाई कोर्ट ने? Yes. मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर फटकार लगाई थी नहीं लगाई थी? जब मूर्तियों के विसर्जन को ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया था, क्यों? मुहर्रम के साथ डेट क्लैश कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप बादल देवनाथ, क्या बात कर रहे हैं? हो गया आपका, सुन लीजिए वो जो मुहर्रम का बात है, उसको पासास इलाका में जो हुआ था वो अलग बात है, वो गवर्नमेंट उसमें हाईकोर्ट में हिस्सा नहीं लिया, मुहर्रम के बारे में डिस्टर्ब एक बार दो बार हुआ था, लेकिन अभी विसर्जन के बारे में कोई डिस्टर्ब कोई प्रॉब्लम बंगाल में नहीं है। आप सबको निमंत्रण करता हूँ, बंगाल में आइए, मैं खुद आपको दुर्गा पूजा में घुमाऊंगा, देखिएगा बंगाल में कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम बंगाल में नहीं है, मैं खुद आपको घुमाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी आपको भी निमंत्रण करता हूँ, नेहा जी आपको भी निमंत्रण करता हूँ, बंगाल में दुर्गा पूजा में मैं खुद आप लोगों को हर जगह में घुमाऊंगा, देखिएगा बंगाल में दुर्गा पूजा लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वादा करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बादल दा बाकी लोग भी मौजूद है और वो भी आप इससे बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे नहीं तो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रेम शुक्ला कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, नहीं स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से हनुमान जयंती के मामले में हाईकोर्ट का कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश आया और कोलकाता हाईकोर्ट अपने जजमेंट में लिखता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की इंतहा हो गई है, अब ये कह रहे हैं कि हमने तो उसमें भाग नहीं लिया। अरे भाग कैसे नहीं लिया आपने? कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश ममता बनर्जी की सरकार का जो निकम्मापन था, जो तुष्टिकरण था, उसके खिलाफ था। रामनवमी के जुलूस को आप क्यों प्रतिबंधित करते हैं? सरस्वती पूजन क्यों आपने प्रतिबंधित कर दिया था? दुर्गा विसर्जन को क्यों प्रतिबंधित किया आपने? और इन सवालों का उत्तर मांगना आज आवश्यक नहीं, जब आप जो है आज आप जय जगन्नाथ कर रहे हैं, स्वागत है, लेकिन जय जगन्नाथ जब आप बोलेंगे तो आपकी जो पूर्व पीठिका है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, उसको लोग पूछेंगे कि कल और आज में अंतर क्यों आया, मुझे और अंतर आया तो उसका कारण क्या है? प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए, जय श्री राम की काट अगर ममता बनर्जी निकाल रही है तो बीजेपी के खेमे में खलबली है क्या? बिल्कुल खलबली नहीं है, हम तो स्वागत करते हैं, वो जय श्री राम बोले स्वागत है, लेकिन वो कल बांग्लादेशियों के साथ खड़ी होगी, रोहिंग्या के साथ खड़ी हो जाएगी। मेरी चिंता से आप क्यों दुबले हो जा रहे हैं भाई? क्यों चिंता कर रहे हैं? मेरी चिंता से आप क्यों दुबले हो रहे हैं? क्योंकि आप तो कहीं है ही नहीं, आप कहे परेशान है, आप तो राजनीति के अमीबा हो गए हैं, आप तो परेशान है, आप तो राजनीति के अमीबा है, राजनीति के अमीबा है जी, सीपीआई कहाँ है? दूरबीन लेके देख लो, सीपीआई कहाँ है देश में? कहाँ रह गई? कहाँ बची है? क्योंकि आपने सावरकर जी के खिलाफ जो बात की, देश की जनता ने, देश की जनता ने माओ की वैचारिक औलादों को सबक सिखाया, नक्सलवादियों के टुकड़ों पर मरने वालों को, चीन के दलालों को, पाकिस्तान परस्तों को सबक सिखाया, इस देश की जनता ने चीन के दलालों को सबक सिखा दिया। आप लड़ने गए थे, आप लड़ रहे थे, संघीय संघ के दलाल लड़ रहे थे, अंग्रेज के दलाल लड़ रहे थे, आज चीन के दलाल मेरे से आप सवाल पूछती है, ये कम्युनिस्ट चीखते हैं, ये रूस के चाटुकार चीखते हैं, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान ही रहेगा, आप पाकिस्तान बनाने का प्रयास करोगे हम कुचल देंगे, आप चीन बनाने का प्रयास करोगे उसको कुचला जाएगा, ये हिंदुस्तान। अच्छा,
शांति। एक मिनट प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, लेकिन प्लीज एक मिनट, मैं आती हूँ बादल देवनाथ, आप सभी लोग मेरे साथ हैं। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, मुझे मालूम है प्रेम शुक्ला जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप जानते हैं मेरे, एक मिनट, मेरे पास ना वक्त, वक्त आप मानते हैं वक्त का थोड़ा बंधन होता है, और मौलाना साहब बहुत वक्त से बैठे मौलाना साहब, माफी चाहती हूँ, वक्त लगा आपके पास आने में, लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो मेरा हर पैनलिस्ट है इस डिबेट में, वो इस मुद्दे के साथ खुद को जोड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं इस मुद्दे पर शुरुआत आप ही से करूंगी मौलाना साहब। तो मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी, मुझे ये बताइए, क्या नुसरत जहां से मौलानाओं को डर लगता है? सुन रहे हैं मुझे आप सर? मौलाना साहब आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, बोलिए जी। नुसरत जहां से क्या मौलानाओं को डर लगता है? देखिए, नुसरत जहां से डर लगता नहीं, और डर लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा। इस संविधान ने सबको इजाजत दिया है कि कोई धर्म पर चले या धर्म बदले। बहुत अच्छी बात। हाँ, एक बात, नुसरत जहां ने जैन से शादी किया, जैन धर्म अपना लिया, अब जैन धर्म अपना नहीं, लिया नहीं, 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 मेरे कहने का मतलब है वो कह रही है मैं जन्म से मुस्लिम हूँ, मुस्लिम ही रहूंगी। अरे सुनिए, अरे जो वो कह रही है वो तो बता दूं आपको, वो देश की मेंबर पार्लियामेंट है, उनको अख्तियार है कि ये इस्लाम धर्म को फॉलो करें ना करें। हाँ। वो नास्तिक बने या धार्मिक बने। अच्छा। इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट मुफ्ती मौलाना साहब, आप अपना मुद्दा रखिएगा, पर मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुद्दा रखिए। सुनिए ना, मैं आप ही से मुखातिब हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही को वक्त दूंगी। सुनिए, अरे सवाल सुन के बताइएगा ना मौलाना साहब, एक बात बताइए, नुसरत जहां से आप कह रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान जगन्नाथ की भक्त नुसरत जहां से क्या मौलानाओं को डर लगता है? भगवान जगन्नाथ की भक्त नुसरत जहां, तस्वीरें गवाह हैं। जो फतवा दे रहे हैं, देखिए जो फतवा दे रहे हैं, या तो वो पागल हैं या तो बेतुकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नुसरत जहां अगर इस्लाम धर्म को फॉलो ही नहीं करना चाहती, तो आप उस पर फतवा देने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जब होम मिनिस्टर थे, गोल्डन टेम्पल पर जाके मत्था टेका, अहमद पटेल राहुल गांधी के साथ जाके गुजरात के मंदिर में दर्शन किया, तो देखिए नेताओं का, अभिनेताओं के धर्म पर मत करिए। नहीं नहीं, एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं आप ही की बात पे चर्चा कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे ये बताइए आप क्या कहने की कोशिश, आप ये कह रहे हैं कि नुसरत जहां मुस्लिम नहीं है, हेलो, वो मुसलमान नहीं है आपके मुताबिक? हेलो जी, मौलाना साहब आप क्या कहना चाहते हैं? नुसरत जहां मौलाना साहब के मुताबिक मुसलमान नहीं है क्या? देखिए वो मुसलमान है नहीं है, वो तय करें, इस्लाम को फॉलो तो करना नहीं करना, वो तय करें, तय कर चुकी है, वो कह रही है। अरे मौलाना साहब, वो कह रही है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूंगी, लेकिन ये मेरा अधिकार है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कि मैं मुसलमान रहते हुए इस्लाम धर्म फॉलो करते हुए सिंदूर लगाऊं, हाथों में चूड़ियां पहनूं, और जिस धर्म के शख्स से शादी करना चाहती है करूं, और वंदे मातरम कहूं, मैं इस्लाम धर्म को मानते हुए ये सब काम कर सकती हूँ, और मैं फिर भी मुस्लिम हूँ। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? आप जबरदस्ती वंदे मातरम को, सिंदूर को मत घसीटिए, यूपी में मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं। अरे भाई, उन्होंने वंदे मातरम कहा है, सिंदूर लगाया उन्होंने, चूड़ियां पहनकर आए वो, साड़ी पहनी उन्होंने। नहीं नहीं, जब जैन से शादी कर लिया, अपना धर्म बदल लिया, तो फिर वो मुसलमान कहां रही? कमाल है मुफ्ती साहब, वो कह रही है मैंने नहीं बदला, आप कह रहे हो धर्म बदल लिया। आप जो बात कह रहे हैं वो क्या है? कोई फतवा दे रहा है और आप जबरदस्ती कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है? अरे भाई, मैं क्यों कहूँ? वो तय करें कि उनको मुसलमान रहना नहीं रहना, वो तय करें, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अगर उनको लगता है इस देश में, अरे प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने तो कह दिया ना मैं मुस्लिम हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान है या नहीं, वो तय करें, क्या कहना चाहते हैं मौलाना साहब? मुफ्ती की निगाह में वो क्या है, ये सिर्फ जानना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा, उन्होंने तो बहुत आदर्श कायम किया, नुसरत जहां का तो समर्थन किया जाना चाहिए, उन्होंने आदर्श कायम किया। लेकिन मुफ्ती साहब, कृपा करके आप बताएं, हाँ, ठीक, कि सिंदूर ठीक, लगाने के बाद, ठीक है, पूरी मिला का भी समर्थन करना चाहिए, जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के बाद आप ट्रोल क्यों करें, और खुद को मिला का विवाह करने के बाद वो मुसलमान है या नहीं, शादी किया आपने, ट्रोल किया, मुफ्ती है, फतवा आप ही देने के अधिकारी हैं, उर्मिला आपसे सवाल है, उर्मिला को समर्थन क्यों नहीं? अगर नुसरत को समर्थन है तो उर्मिला को क्यों नहीं?
कौन उर्मिला का विरोध कौन कर रहा है भाई? उर्मिला किसने विरोध किया? आप कर रहे थे। कब? पूरा टोल करे। किसने किया भैया? पूरा टोल करे इलेक्शन के दौरान में। भाई किसी ने नहीं किया, अब आपके मगज में है, क्योंकि आप जो है अब बोलना नहीं चाहते। कहिए ना नुसरत जहां पे बोलने में डर लगता है, कहिए नुसरत जहां को मुसलमान मानने में आपको डर लगता है। अगर सच तो बोल रहे हो मुसलमान है, कहिए सच्ची मुसलमान है, कहिए ना सच्ची मुसलमान है। अगर आपको डर नहीं है, आप कट्टरपंथी नहीं है, तो सिंदूर लगाने वाली, चूड़ी पहनने वाली, जगन्नाथ मंदिर में आरती उतारने वाली नुसरत जहां को आप असली मुसलमान मानिए? अगर वो कह रही है कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा इतराज करने का क्या मतलब है? मैं तो उसका स्वागत कर रहा हूं। मुफ्ती है वो, इस्लाम के मुफ्ती है, उनसे पूछ रहा हूं मुसलमान होना नहीं होने का। मैं हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। मुफ्ती ने तो कह दिया, नहीं नहीं कहा, आपने मुफ्ती नहीं कहा, आपने कर सुन लिया, फोर्स कर रहे हैं, नहीं कहा उन्होंने। भैया स्वतंत्र देश है जिसको जो धर्म वाला, अब आप इस्लामवाद शुरू कर दिए। अरे भैया इस्लामवाद नहीं करते हैं, थोड़ा फ्रेम खराब हो जाएगा, वरना मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे देती। लेकिन आपने कहा ये स्वतंत्र देश है और मुफ्ती साहब ने कह दिया कि नुसरत जहां जो है वो मुस्लिम है वो। अच्छा मुझे नहीं सुनाई दिया, अब निजेश अवस्थी जी आपके बगल में बैठे, मेरी मदद कीजिए। वो बोला ना साहब खुद कह रहे हैं, मैं तो वैसे नहीं करूंगा। नुसरत कह रही है मैं हूं, मौलाना साहब को दिक्कत है। अरे मौलाना साहब क्यों नहीं कहते नुसरत जो कह रही है ठीक कह रही है? नुसरत है कपड़ा पहन रही है, कपड़ा नहीं पहन रही है। आपको इसीलिए कहना पड़ेगा मौलाना साहब, क्योंकि आप ही के जमात के कुछ लोग हैं जो फतवा दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? नुसरत जहां पर फब्तियां कस रहे हैं और फतवा दे रहे हैं, इसीलिए अगर आप साथ हैं तो खुलकर बोले, घुमाइए मत, दे रहे वो गलत है। सर अपनी जेश अवस्थी, ये मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? फतवा नहीं दे रहे, बाकी बात तो वही कर रहे हैं। नेहा जी, अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे पक्षधर रखने वाले विवेक श्रीवास्तव, बीच में मत बोलना जी, ठीक है, बोलिए। उन्हीं मुल्ले मौलानाओं के दबाव में आकर के आपने रातों रात, सुन तो लिए, मैंने कहा था बीच में मत बोलना। अरे भाई मुल्ला की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्या करें विवेक, मुल्ला की बात मैंने क्या कहा था? मेरा पूरा वाक्य हुआ, धर्माचार्य हिंदुओं ने टोल नहीं किया। तस्लीमा नसरीन को रात आधी रात को बंगाल से, पश्चिम बंगाल से चुपचाप कहां ले जा रहे हैं ये बिना बताए, उस समय की वाम सरकार ने निकाला। एक बात, तीस दो बातें और आती आती आज आज सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या राम के अपमान? ऐसी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देने के लिए, 1962 में चीन का साथ देने के लिए, और 1975 में आपातकाल का साथ देने, माफी मांग चुके, माफी मांग चुके आप, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिए, सार्वजनिक इसको भूलिया। भारतीय बीजेपी राजनीति में डायनासोर नहीं करेगी, राजनीति में डायनासोर नहीं करेगी। लुप्त प्राणी कौन हिंदू है? लुप्त प्राणी है भगवान। लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्र देश है, भारतीय राजनीति में डायनासोर वो धर्म पालन करेगी, लुप्त प्रजाति नहीं डिसाइड करेंगे, लुप्त प्रजाति है, लुप्त प्रजाति करेंगे, कौन मुसलमान है? आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। तस्लीमा नसरीन कोई पंडित, कोई मौलाना किसके जवाब में डिसाइड करेगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान? ठीक है, स्वतंत्र देश है, तस्लीमा जिसकी जो इच्छा वो अपना धर्म पालन कर सकता है, तस्लीमा और सारे धर्म बराबरी के हैं, ये सेक्युलर कंट्री है, और धर्म को राजनीति में घसीटना
और वोट मांगना बंद करिए। तो माफी मांगिए तस्लीमा पर, सबसे पहले मांगिए तस्लीमा पर। मैं दर्शकों को बताता हूं कि आदमी ये आदमी पिछले 10 मिनट से लगातार झूठ बोल रहा है। कोई झूठ मैंने पूछा तस्लीमा नसरीन, जवाब नहीं है। अंग्रेजों से माफी मांगिए, तस्लीमा बोलिए, सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, तस्लीमा पर माफी कब मांग रहे हैं, लिख करके मांगिए अंग्रेजों से माफी, तस्लीमा पर माफी कब मांग रहे हैं, माफी मांगता हूं मुझे छोड़ा, तस्लीमा पर माफी काला पानी की सजा किसने मिली थी, काला पानी की सजा किसने मिली थी, डिबेट आगे जारी रहेगा, लेकिन आप ये सोचिए। और मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके पास आऊंगी। धर्म निरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मुफ्ती साहब, ये बताइएगा अगर इस देश की एक नागरिक नुसरत जहां कह रही है मैं मुस्लिम हूं, तो मुफ्ती होने के नाते उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में आप खड़े होने का दावा कर रहे हैं, आप उनकी बात का समर्थन करने से हिचक क्यों रहे हैं? क्या ये भी अपने आप में एक फतवा नहीं है? लौटूंगी और साथ ही इस बात पर हमारी चर्चा बनी हुई है कि क्या जय श्री राम की काट ममता जय जगन्नाथ में ढूंढ रही हैं और हिंदुओं को रिझाना, मतलब क्या बीजेपी का डर सता रहा है चुनाव में? कहीं ना कहीं जो धर्म है, धार्मिक भाव है, वो आता है। जय जगन्नाथ की मंगल आरती जिसमें नुसरत जहां के साथ ममता बनर्जी पहुंचती हैं, जय जगन्नाथ कहती हैं, जय हिंद कहती हैं, जय बांग्ला भी कह देती हैं, धार्मिक मंच पर सियासी नारा भी दे देती हैं। सवाल ये है कि बीजेपी के डर से क्या अब हिंदुओं की तरफ भी ममता बनर्जी जा रही हैं? हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए प्रेम शुक्ला जी, इस सेगमेंट में मैं आपसे शुरू करते हुए बड़ा सीधा सा सवाल, अच्छा मुझे एक बात बताइए, चुनाव के दौरान इतने मंचों पर आपकी पार्टी के नेता गए, बड़े नेता गए और सबने जनता को संबोधित किया, अलग अलग मंचों से जय श्री राम के नारे लगाए, तो अगर सियासी मंच से जय श्री राम के नारे आप लोग लगा सकते हैं, तो ममता बनर्जी जय जगन्नाथ की मंगल आरती के बाद अगर जय बांग्ला बोल देती हैं, तो सियासत क्या है भाई? क्या कहां सियासत करिए, वो भी वही कर रही हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं, हमने बिल्कुल उनका विरोध नहीं किया, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि जय जगन्नाथ का नारा लगाए, वो सिर्फ सवाल है कि पहले उन्होंने जो काम किया था उसको भी देखा जाएगा कि वो पहले से ही जय श्री राम का नारा लगाती है क्या, पहले से जय जगन्नाथ बोलती है क्या, पहले दुर्गा विसर्जन का समर्थन करती है क्या, पहले से सरस्वती पूजन होने देती है क्या, पहले से हनुमान जयंती होने देती है क्या? तो नहीं होने देती, इसलिए सवाल पैदा होता है। एक छोटा सा सवाल मेरा मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब से है। मुफ्ती साहब, आप तो इस्लाम के विद्वान हैं, आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मैं, जो इस्लाम का विद्यार्थी होने के नाते इसको अन्यथा ना लीजिएगा, कि जब सिंदूर लगाने वाली, चूड़ी पहनने वाली और जगन्नाथ भगवान की आरती उतारने वाली, क्या वो इस्लाम में ये जायज है या नहीं है, वो मुसलमान है या नहीं? सिर्फ स्पष्ट आपका मत, मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं चाहता आपसे। जी नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ जी। हाँ, देखिए इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा जायज नहीं है। जी ठीक है, बस बात खत्म। तो अब इसमें नुसरत जहां मुसलमान रही कि नहीं रही, एक बात तो मुसलमान होने का क्लेम कर रही है वो। अरे मेरी बात आप सुनो जी, आप हिंदू को मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, और मुसलमान को हिंदू कहा जा रहा है। नहीं, सिर्फ मुफ्ती साहब बताइए, मुसलमान रह गए कि नहीं रह गई, उनका 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 निकाह टूट गया, आपसे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? ये सेकुलरिज्म नहीं है। नहीं, मैं इस्लाम की बात करूं साहब, सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा। जायज नहीं, ये हाँ। उनका उनकी निकाह, उनका उनको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा अगर वो मुसलमान होना चाहे तो, तरीका क्या है? उनको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। अख्तियार कर लिया, मुसलमान ही नहीं है। नहीं, तो कह रहे मैं मुसलमान हूँ साहब, नुसरत जहां मुसलमान नहीं है। अरे मुसलमान है वो कौन देगा? देखिए विवेक जी, आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा धर्म क्या है ये मैं ही बताऊंगी ना, जिसमें मैं भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ, या मुफ्ती साहब सर्टिफिकेट देंगे? वो खुद कह रही है वो मुसलमान है। एक बात बताइए मुफ्ती साहब, एक बात बताइए, अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आपकी मैं सेक्युलरिज्म की परिभाषा में, आपकी मैं धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अगर मैं आप देखूं, सुनिए मेरी बात मुफ्ती साहब, मेरी बात सुनिए, आपसे सवाल है। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद की इफ्तार पार्टी में जाती है, तो क्या मुसलमान हो गई वो? उसी तरह से अगर नुसरत जहां भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में जा रही है, तो उनका धर्म नष्ट हो गया क्या? धर्म नष्ट हो गया? ये दोहरा मापदंड क्यों? स्टार पार्टी में निमंत्रित करते हैं, आमंत्रण नहीं किया जाता, कैसी बात कर रहा है? बिना निमंत्रण के थोड़ी जाती हो आप, आते क्यों नहीं रखता आप, क्यों आते? वो सब तो इफ्तार पार्टी करते हैं। आप तो कितने का आइए, मैं कह रहा हूँ कि नुसरत जहां को इस्लाम और मुसलमानों के बीच में आप लोग खुद राजनीति के अंग हैं। आप लोगों ने, आप तमाम मुफ्तियों ने अब तक इस देश की राजनीति में मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने दिया है।
आपने किया, इस देश की ये सच्चाई है। किया मुसलमानों को गरीबी के दलदल में, मस्जिदों से मुसलमानों को सियासी हुक्म निकलते हैं कि इसको वोट देना है। आप पश्चिम जुमे की नमाज के बाद बाकायदा ऐलान होता है किस पार्टी को वोट देना है। इमाम साहब मुझे लगता है आपके सामने टीवी नहीं है, टीवी रखिए और देखिए पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार रही, टीएमसी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार अभी आई नहीं है। और देश में किस पार्टी कितने लंबे वक्त तक सरकार रही और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल खाती रही वो भी देखिए मुफ्ती साहब। जब आप नहीं देखते हैं ना और एक सियासत आप लोग भी करते हैं तभी इस तरह के परिणाम आते हैं। मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है इससे एक बात बहुत साफ होती है कि धर्म और सियासत का घालमेल नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए किसी लिहाज से ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को समझने की जरूरत है। ट्विटर पर हजारों की तादाद में आपके जवाब हमें आज के सवाल पर मिल रहे हैं, वो नतीजा भी हम आपको दिखाएंगे। मैं आज का हमारा सवाल था, बीजेपी के डर से ममता बंगाल के हिंदुओं को क्या लुभा रही है। ट्विटर पर हमें हजारों की तादाद में आपके जवाब मिले और इनमें से 88% यानी 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि बीजेपी का डर है, सामने चुनाव है और इसीलिए ममता हिंदुओं को लुभा रही है, जबकि 12% लोगों को ऐसा नहीं लगता।